विद्युत ध्रुव, आज इस वीडियो में बात करने वाला है विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव आगुण क्या होता है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो यहाँ पर हम बताते हैं, पहले दो आवेश हम लेते हैं, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश, एक प्लस दूरी यहाँ पर क्या है, एक माइनस लेते हैं, एक प्लस में जो दूरी होगा यहाँ पर क्या होगा, 2L होगा यहाँ पर। इन दोनों के एक धनात्मक की दूरी होगा, दूसरा ऋणात्मक की दूरी होगी। यहाँ पर एक हमने प्लस लिया, एक धनात्मक। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, यदि दो बराबर, यहाँ हमने दो बराबर क्या लिया, आवेश लिए हुए हैं यहाँ पर, विपरीत आवेश, एक धनात्मक है विपरीत आवेश, मतलब एक धनात्मक में है एक दूसरा क्या है ऋणात्मक में, एक दूसरे के अल्प, ये दूरी अल्प दूरी पर है ना, अल्प दूरी पर स्थित हो, इस संरचना जो ये चित्र पूरा बन रहा है इसे क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव कहेंगे। थोड़ा इमेज के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पर यदि दो बराबर आवेश, यहाँ पर दो बराबर हमने दो आवेश लिए हैं, एक क्यू क्यू लिए हैं यहाँ पर, विपरीत आवेश मतलब एक धनात्मक है दूसरा क्या है ऋणात्मक है, एक दूसरे का अल्प दूरी, दोनों के क्या कुछ दूरी पे हो स्थित हो, इस संरचना क्या कहेंगे, यहाँ पर इसकी दूरी क्या हो, 2L हो जाएगा, इसी संरचना क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव कहेंगे। यहाँ पर इमेज के माध्यम से कन्फर्म हुआ। यहाँ पर अब बात करते हैं विद्युत ध्रुव आगुण क्या होता है। यहाँ पर इसके बात करें विद्युत ध्रुव आगुण, विद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल होता है। यहाँ पर जो उसका आवेश होता है पी बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्यू इंटू 2L होता है, जो उसका यहाँ जो आवेश होता है कोई भी आवेश हो, एक धनात्मक चाहे ऋणात्मक ले लो, यहाँ पर उसके जो यहाँ पर उसकी दूरी के गुणनफल, जो उन दोनों आवेशों की जो दूरी होती थी ना, कोई भी आवेश ले उनकी जो दूरी होती है ना, जो उनको दूर पे रखा गया था वहाँ 2L था ना, उसे क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर अभी हमने बताया हुआ था वो तो मिट गया होगा। यहाँ पर यहाँ कितना होगा, पी बराबर 2L इंटू क्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू इंटू 2L भी लिख सकते हैं, कि 2L क्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था अभी ऊपर, पी क्यू इंटू 2L, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो। यहाँ पर अब बात करते हैं, ये मतलब डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, यहाँ पर विद्युत ध्रुव किसी आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है, गुणनफल के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर विद्युत ध्रुव आगुण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर पी बराबर क्या होगा, 2L क्यू होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका बी में इसका मात्रक निकालते हैं, यहाँ पर विद्युत ध्रुव का इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ पर मात्रक होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एल था यहाँ पर, क्यू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो मात्रक निकलेगा क्यू क्या हो जाएगा, कूलाम निकलेगा यहाँ पर, क्यू 2L था यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 का कोई काउंट नहीं होगा, यहाँ पर 2 में यहाँ पर क्या होगा, कूलाम, कूलाम मीटर लेंथ का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर मीटर होगा, कूलाम मीटर, अगर नहीं समझ आया दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर इसका क्या होगा मात्रक, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। अब यहाँ पर इसके बीमे बीमा सूत्र क्या होगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बीमा बीमा इसका देखते हैं, आप क्या होगा, क्यू बराबर क्या होता है, आईटी होता है, क्यू बराबर आईटी, यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए ए होगा और टी के लिए क्या होता है, यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर समय मात्रा सेकंड होता है, और यहाँ पर क्या था, यल था, यल के लिए क्या होगा, मीटर होगा, मीटर के लिए यल होगा। यहाँ पर इसका बीमा क्या निकलेगा, यहाँ पर यल टी ए लता, इसका बीमा सूत्र क्या हो गया, यल टी ए हो गया। यहाँ पर यहाँ से इसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसका हमने मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा, और यहाँ पर इसका बीमा सूत्र क्या लता हो जाएगा, यल टी ए हो जाएगा। यहाँ पर इसके डिफिनेशन क्या होगा, दोनों को हम डिफिनेशन एक बार बता के वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ पर विद्युत ध्रुव यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश को एक दूसरे का अल्प दूरी की स्थिति को, इस संरचना को ही क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या है, विद्युत ध्रुव आगुण, विद्युत ध्रुव आगुण, विद्युत ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आगुण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये हमारा आज का ये डिफिनेशन हुआ। अब चलते हैं, आज वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू जय।